चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम क्या होगा, इस पर बेहद अहम मंथन है। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है और बैठक में अलग अलग जगहों से नेता जुड़ेंगे और मकसद होगा तरह तरह से फीडबैक देना। तमाम रिपोर्ट्स जो ग्राउंड से प्रतिनिधियों को लेकर आ सकती है, तो ये सबसे बड़ी माथापच्ची होती है जहां पर किस कैंडिडेट के ऊपर दांव खेलना है, किसे उम्मीदवार बनाना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि बताइए भाई फीडबैक कैसा है, किस तरीके से पकड़ बनाई है, कितने नजर आए हैं, जनता के बीच में पैठ कितनी है। और यही है सब समीकरण जो गुड़ा भाग देखा जाता है, इसी दरमियान देखा जाता है। तो बड़ी अहम बैठक होगी ये कांग्रेस के लिए। और अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से इस पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश बताइएगा क्या अपडेट है और किस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा जो संवाद है आज होने जा रहा है। देखिए आज तक अगर बात करें तो 6 बजे शाम को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो सीईसी के सभी मेंबर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के भी 3 सदस्य मौजूद रहेंगे, जिनमें अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जितेंद्र सिंह हैं और अशोक गायकवाड़ है। ये सभी सदस्य अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने के लिए आवेदन किया है उनकी स्क्रूटनी कर ली गई है और ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर आज चर्चा की जाएगी कि इसको टिकट दिया जा सकता है। जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी आज 50 कैंडिडेटों का सिलेक्शन कर सकती है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और इन 50 कैंडिडेटों का सिलेक्शन करने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को इनका नाम भेज दिया जाएगा और अगले 2 से 3 दिनों में सोनिया गांधी की तरफ से पार्टी के ऑफिशियल मुख्यालय की तरफ से, पार्टी के ऑफिशियल अधिकारियों की तरफ से इसके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो आज ये सबसे महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को चयन करने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ करते हुए वही दिखे, विपक्ष की सबसे पहली भूमिका वही निभाते हुए दिखे, और यही कारण है कि सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। और उसी कड़ी में आज उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा और 50 उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी लिस्ट तैयार कर सकती है और अगले 2 से 3 दिनों में ये नामों की घोषणा हो सकती है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी एक धमक दिखाने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि इसको कितना फायदा मिलता है, क्योंकि 2017 के बाद जब चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के साथ तब उसको 7 सीटें मिली थी, अब 2022 में इस बार अभी तक अकेली लड़ती हुई दिख रही है, तो उसको कितना फायदा मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविनाश आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी, जिस पर नजर रहेगी 6 बजे ये जो बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को जुड़ना है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है।